माय चैनल। तो आज के मैं इस वीडियो में अपने ऐसे एरिया का मेकओवर करने वाली हूँ जहाँ सिर्फ कबाड़ के अलावा कुछ नहीं था। तो या गाइस, तो उसे मैंने अपने स्टूडियो में कन्वर्ट कराया है और जो भी मेरे क्राफ्ट्स का सामान थे मैंने उसको वहां पर ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज करा है। सो या गाइस, आज की वीडियो में आपको मेकओवर के अलावा मेरे चैनल पे डीआईवाई भी देखने को मिलेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं इस चैनल पे आपको डीआईवाई ऑर्गेनाइजेशन और बजट फ्रेंडली मेकओवर की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल का मेंबर बन जाए। या गाइस, इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे वीडियोज की अपडेट पहली आ जाती है। तो या गाइस, विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये एरिया मेरे घर का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता था, वेस्ट सामान होता था या कोई भी कबाड़ होता था वो यहाँ पर फेंक जाया करता था या फिर रख दिया जाता था। तो ऐसे करते करते ये इतना फैल चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको काम में लिया जाए और जो भी ये कबाड़ है इसको हटाया जाए और अपना प्यारा सा क्राफ्ट रूम में से कन्वर्ट किया जाए। तो पहले यहाँ पर मैंने सारा सामान हटाया और कोई भी आ जगह का मेकओवर करने से पहले उसके अच्छे से साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने जितना भी कबाड़ था वो सब हटाया और एक तरफ लगाया। तो ये मेरे घर का वो एरिया है जहाँ हम अपने छत के लिए जाते हैं और जो ये बीच में पड़ता है हमारे यहाँ तो इसे बोलते हैं ममटी, और आप क्या क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अब यहाँ पर जो भी मेरा सामान था मैंने उसे इकट्ठा करके रख दिया है और ये मेरी छत है और ये है मेरे नीचे जाने का रास्ता। अब जो भी ये सामान था इसको भी मैंने साइड लगाया और पहले लगाया मैंने यहाँ पर पोछा, तो अच्छे से मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया और जो ये मेरी सीढ़ियाँ थी उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद ये एरिया इतना चमक गया था कि लग ही नहीं रहा था कि हाँ यहाँ पर कोई कबाड़ रखा था। तो मैंने पूरे में अच्छे से पोछा लगा दिया तो अब आप देख सकते हैं इसका क्या हुलिया हो गया है, कितना चमचमा गया है। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास कोई वॉल पेंट नहीं था वरना यहाँ पर मैं कलर करती और जो भी मेरे पास अवेलेबल था वही मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। और ये है मेरा सारा सामान क्राफ्ट का, तो थोड़ा थोड़ा कबाड़ भी इकट्ठा हो गया पर ये ना होता है कि ये मत फेंको, इसका कुछ हम डीआईवाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और इस यहाँ पर मैंने रखा था क्राफ्ट का सामान तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है अपने मंदिर में। और इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो ये अलमारी और ये बक्सा बहुत भारी होता, सामान अगर निकालती तो फिर बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता, तो इसमें जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो मैंने इसे रखे दिया और जो भी क्राफ्ट के सामान है वो भी मैं ऊपर ले आई, सारा सामान मेरा ऊपर आ गया। तो गाइस, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो जब मैंने यहाँ पर वॉल डेकोरेट करी थी थोड़ी थोड़ा भूसा रहा था कि हाँ मैं अभी वॉल डेकोर करके देखती हूँ, तो कुछ ऐसा मैंने मिनिमम सा थोड़ा छोटा सा ही बनाया था। तो अब इसे और इन्हेंस करने की बारी आई है तो इसमें मैंने यहाँ पर पेपर की चिड़िया बना के भी लगाया था तो अब उन्हें तो मैंने हटा दिया है। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर लिया है और पहले भी मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ करा था यहाँ पर, तो अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड कर रही हूँ और जस्ट उसके ऊपर भी मैं एक बार कर रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा कलर डल हो गया था और इन्हेंस होके आ जाएगा। और जहाँ पर और मुझे कोई लग रहा था कि हाँ मुझे कुछ बनाना चाहिए तो वहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ, यहाँ पर लीव्स भी बनाई है मैंने और पूरे जो ये डिज़ाइन था इसको मैंने कवर कर दिया एक्रेलिक कलर से। इसे करने में मुझे पूरा एक घंटा लग गया था। तो गाइज, अब बारी आती है इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रेम पड़े हुए थे जो कि मैंने ऑनलाइन बाय करे थे तो इसे अभी मैंने खोले भी नहीं थे, तो उसमें यहाँ पर मैंने ये कलरफुल पेपर स्टिक कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और ये एक पड़ा था मेरे पास टायर और उसमें मैंने यहाँ पर लगा दिए फेरी लाइट। आप चाहे तो अगर आपके पास कोई ऐसा टायर पड़ा है तो आप उसे कलर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एज इट इज रहन दिया है। और जो ये फ्रेम मैंने तैयार करे हैं उसको भी हम यहाँ पर मैं लगा दूँगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं रैंडमली फ्रेम लगा रही हूँ और मुझे एरिया को थोड़ा कलरफुल बनाना था क्योंकि मेरी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कलरफुल है तो मैं वॉल भी थोड़ा कलरफुल ही चाह रही थी। तो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैंने अभी वाई करी है
और आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप जो ये वास देख रहे हैं वो भी एक DIY। तो अब इस विंडो को कवर करने की बारी आती है, तो इसको कवर कर दिया है मैंने अपने पुराने कर्टन से। अब बारी आती है इस अलमीरा को थोड़ी डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैं प्लेस कर रही हूँ डोरमेट, जो कि मैं डोरमेट की तरह यूज़ नहीं करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड रखा है, जिसके मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर जो आता है उसे कवर कर दिया है। और इसमें मेरे जितने भी पेपर्स थे, चार्ट पेपर थे, वॉल पेपर्स थे, वो यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ड्रीम कैचर हैंग कर दिया, ये भी DIY, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं इस बक्से में थोड़ा सेटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ। तो मेरे पास कोई पुरानी साड़ी रखी थी, तो उसको ही मैंने यहाँ पर प्लेस करा है। और कुछ कुशन कवर और जो ये रख था वो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। एंड हेयर कम्स द फाइनल रिवील। या गाइज, यही था मेरा मेक ओवर। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा मेक ओवर पसंद आया हो, मेरी कोई भी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।